पोल्ट्री फार्मर भाइयों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACNBC। आज के वीडियो में दोस्तों बर्ड का तीसरा दिन है और तीसरे दिन बर्ड की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप चिक्स का प्लेसमेंट अपने फार्म में करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है चिक्स की हर तरह की हरकतों को समझ पाना। जैसे कि मान लीजिए कि चिक्स को गर्मी लग रही है तो आपको समझना होगा कि हाँ चिक्स को गर्मी लग रही है तो क्यों लग रही है, मोटलिटी होने का कारण क्या है, चिक्स हमारा स्वस्थ कब है, चिक्स को कोई बीमारी या दिक्कतें कैसी हैं तो उसका क्या लक्षण है, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा दोस्तों। इसके बिना अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो फिर बर्ड पालन आपसे उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। आज देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फीडर में मैंने पानी लगवाया है, इसमें मैंने वापस एक बार गुड़ दिया है और कोलेस्ट्रॉल दिया है क्योंकि गर्मी, ये ऊपर जो है शेड हमारा पक्का है इसलिए इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण कल दिन में एक ही दिन में 25 मोर्टलिटी हुई थी दोस्तों 4000 बर्ड में। तो आज शाम के टाइम दोस्तों एंटीबायोटिक दिया जाता है, अभी तीसरा डोज आज बाकी है, वो भी आज पूरा हो जाएगा और सुबह के टाइम में इनको प्यूरीफाई की दवा के साथ में इनको दिया गया है गुड़ और जो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है इसको दिया गया है ताकि बर्ड में ठंडक थोड़ी थोड़ी बनी रहे। और गुड़ इसलिए दिया गया है दोस्तों ताकि ये बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और वैसे भी तो गुड़ आपका एनर्जी बूस्टर होता ही है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे कि मेरा मैनेजमेंट है, मैंने इनको तीन भाग में डिवाइड करके और तीनों भाग में बर्ड को बराबर मात्रा में कर दिया है, बराबर संख्या में हैं दोस्तों, और फीडर और ड्रिंकर कुछ ठीक ठाक हो गया है अब। तो इस तरह से आप भी अपना अपने फार्म का मैनेजमेंट इसी प्रकार से करें, जितना ज़्यादा आप सुविधा देंगे फार्म के बच्चों को उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से विकास करेंगे। अभी नई मिट्टी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर नीचे थी तो इसको अच्छे से बराबर कराया जा रहा है, चूना है, चूना डलवा के बराबर करने के बाद में चूना डाल दिया जा रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे सामने जो है ये टंकी लगाई है हमने बीच में, क्योंकि जस्ट सामने जहाँ पे टंकी लगी हुई है दोस्तों इसके जस्ट सामने ही नल लगवाया है, नल जो है बाहर की तरफ है, अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये है नल और यहीं पे मोटर लगाया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सामने आप तालाब देख पा रहे हैं, ये तालाब मैंने इसी जगह की मिट्टी खना करके उसको फार्म के अंदर डलवा दिया है, जिससे कि फार्म भी तैयार हो जाएगा, अपना फार्म भी ऊंचा हो गया है और यहाँ सामने ही एक छोटा सा तालाब बन गया है, इसमें मैं मछली डाल दूँगा। तो जिससे होगा क्या कि जो हमारी यहाँ से जो वेस्टेज निकलेगा वो हमारे तालाब में यूज हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से आप भी काम करें दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। सगुना कंपनी का ये दाना आ चुका है दोस्तों, ये देखिए आप 60 kg का बैग होता है, इसमें 5 नंबर तक दाना होता है, वो बारी बारी से खिलाया जाता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इससे सप्लाई किया गया है इस साइड में पूरा, और इसमें 3 पाइप लगाए गए हैं, 1, 2, 3, तीनों साइड में। जैसे यहाँ पे अपना टी लगाया गया है तो इसके बीच की जो दूरी है ये इधर दिखाएंगे आपको, ये वाली यहाँ से यहाँ एक यहाँ एक इसके बीच में फिटर लगा दिया जाएगा, इसीलिए इसको बांधा जाएगा, इसमें फिटर लगा दिया जाएगा, यहाँ ड्रिंकर, यहाँ फिटर, ऐसे ड्रिंकर फिटर, इस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा इसका। और
बल्ब भी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सब पूरा बल्ब लगा हुआ है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बर्ड के लिए तीन खाने बनाए गए हैं, यानी तीन भाग में डिवाइड किया गया है, इस तरह से आप भी कर लें। क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में बर्ड होता है, जैसे थोड़ी संख्या में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जहाँ पे संख्या 4,000-5,000 के करीब में हो जाती है, वहाँ पे अगर ऐसा कर देते हैं तो होता क्या है कि सारे बर्ड को जैसे इस खाने में जो है उसको खाने के लिए यहाँ मिल जाएगा, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है, और जब ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है तो चिक्स भी परेशान हो जाता है, और ऐसे में होता क्या है कि तुरंत उसको चलना कम पड़ता है दोस्तों, और ऐसा करने से बर्ड भी ठीक ठाक रहता है। तो दोस्तों दवा जो भी दवाएं लगती हैं बर्ड को, इसका जिस हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक कितना देना है, जैसे कि जितना आपको एंटीबायोटिक उसमें दिया रहता है उसके हिसाब से ही दें, उससे ज़्यादा या कम ना दें, क्योंकि कम ज़्यादा देंगे कोई भी दवा तो वो इतना अच्छे से काम नहीं करता है। और स्टार्टिंग टाइम में जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तो बर्ड को पानी पिलाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा बर्ड चाहे उसके लिए आपको गुड़ पानी लगाना पड़े या और भी कोई जो भी आपके हिसाब से उपाय हो, या नमक और काला नमक और गुड़ लगाएंगे तो पानी का इंटेक बढ़ेगा, या अंग्रेजी दवाएं भी बहुत सारी हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा पानी का इंटेक होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपके लिए और आपके बर्ड के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जब आपका बर्ड ठीक होगा तो आप भी फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी भाई के अगर कमेंट हैं दोस्तों या उसके मन में कोई भी और भी सवाल है तो वो मेरे नंबर 84002375 12 84002375 12 इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल करके सारी जानकारियां मुझसे ले सकता है। आप लोगों के लिए मेरा चैनल है, और मेरे चैनल पे ये जो नंबर मैंने बताया मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों आप लोगों की हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले किसी और टॉपिक के वीडियो में।